आइए हाथवा जोड़िए सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। इस तर्ज पर आज हम लोगों ने एक और कड़ी जोड़ा कि किसी भी गरीब को दवा के कारण दिक्कत न हो। जनता मेडिकल के बाद हम लोगों ने आज सदर अस्पताल के रास्ते में जो पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने प्रदीप मेडिकल हॉल है, यहाँ भी हम लोगों ने निःशुल्क दवा वितरण के लिए एक प्वाइंट बनाया है, जहाँ वैसे मरीज दवा ले सकते हैं जिन्हें दवा खरीदने में परेशानी है। हमारे यहाँ निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा और जो लोग सक्षम हैं या जो लोग पैसा दे सकते हैं, मेडिकल से पैसा देकर वो दवा ले लेंगे। तो रोटी बैंक नित्य इस तरह का कार्य कर रहा है कि किसी भी मरीज को दवा के चलते किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। दूसरा यह कि शाम में सब दुकान बंद हो जाता है, तो शाम में हेल्पलाइन नंबर हमारा जारी किया गया है, उस नंबर पे कॉल करके वे दवा ले सकते हैं। हम लोग उनके घर तक दवा पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं गोपाल कुमार वर्मा, अध्यक्ष रोटी बैंक चतरा। जरूरतमंद को सहायता पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक फिर नई कड़ी जोड़ा है, जिसमें प्रदीप मेडिकल के साथ हम लोगों ने कल बात की और बहुत सहजता के साथ उन्होंने मदद की भावना से कहा कि आप निश्चित तौर पर जो दवाइयां आपके पास उपलब्ध है यहाँ दे दें। जो लोग हॉस्पिटल का पुर्जा लेकर आएंगे उसी को हम लोग पुर्जा दवा दे पाएंगे। खास करके वैसे लोग जो लोग सक्षम है वो पैसे देकर ले, जो लोग सक्षम नहीं है अति जरूरतमंद है उन्हें निःशुल्क दवा दी जाएगी। और ये व्यवस्था हम लोग जहां तक ले जा सकेंगे आगे ले जाएंगे, ताकि जरूरतमंद को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे। इस कड़ी में प्रदीप भैया का अहम रोल है, जिन्होंने तनिक भी देर नहीं की और रोटी बैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की है। मैं इन्हें आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर दवाइयाँ प्रातः 6, साढ़े 6 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक उपलब्ध होंगे। बाकी जिन्हें भी दवाइयों की जरूरत हो वो हम लोगों ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, उस पर फोन करें। दवाइयां आप तक पहुंचाने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई भी टाइम। धन्यवाद। रोटी बैंक के द्वारा रोटी बैंक के सदस्यों ने हमारे यहाँ कल रात में सामने आए और हमसे सहयोग मांगा, तो हमने पूछा क्या बात है, तो बोले कि जितने भी गरीब मरीज हैं वो जो सक्षम नहीं है, खरीदने के लायक नहीं है, पैसा नहीं है, जिस कारण से उनका कोई बीमारी मौत ना हो जाए, इसलिए वो दवा उपलब्ध करवाए हैं हमारे पास। हम उससे सहज स्वीकार किए हैं देने के लिए, और ये रोटी बैंक के द्वारा अच्छा पहल है और इसका हम धन्यवाद उनको करते हैं, उन लोगों को करते हैं कि इसी तरह से आगे काम करते रहें और सहयोग गरीबों को करते रहें। बहुत अच्छी बात है। और रात्रि में जो दवा का अगर रात में नहीं मिलता है, दवा दुकान बंद हो जाने के बाद टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर से संपर्क करेंगे तो रात 12 बजे 1 बजे रात में भी आपको दवा उपलब्ध हो जाएगा। छोटे बैंक के द्वारा